अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे जनाब। तो देखें, हमने बनाया है आज ज़र्दा और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इजीएस्ट वे टू कुक ज़र्दा। ठीक है, आपका बहुत आसान एक रेसिपी शेयर की जाएगी और आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में इसको बना कर अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने देगची में ऑयल ले लिया है और आपने चावल जितने आपने लेना है उसके अकॉर्डिंगली ले लें। उसमें 3 हमने इलायचियाँ डाल दी हैं और 4 जो हैं हम लौंग जो हैं वो क्लोव डाल देंगे। इनको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे और फिर देगची को अलग उतार लेंगे, साइड पे कर लेंगे देगची को। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको जस्ट फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। 1 चम्मच जो है देसी घी की डाल देंगे, जस्ट फॉर टेस्ट, मुझे देसी घी बहुत पसंद है इसलिए। तो 1 चम्मच देसी घी की भी डाल देंगे इसके अंदर, जस्ट फॉर टेस्ट। अब हम जो है देगची को साइड पे कर लेते हैं और इसके अंदर जो है हम जो राइस बॉयल किए हुए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा राइस होंगे। अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं ऑयल के अंदर, आराम से अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो है हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स जितने आपके पास हैं आप डाल सकते हैं जनाब, जितने भी आपके पास हों, जो भी आपको पसंद हो। मेरे पास किशमिश थी और मैं इसके ऊपर किशमिश डाल दूंगी। किशमिश डालने के बाद मैं इसके अंदर बादाम डाल दूंगी, जो कि मैं चावलों के अंदर ही बॉयल, जब चावल बॉयल करती हूँ तो मैं बादाम भी इसके अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर उनका छिलका उतारना बहुत आसान होता है। लाइक आपको अलग से पानी बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप चावलों में से बादाम जो है अलग करके तो उसका छिलका आसानी से 1 से 2 मिनट लगते हैं और छिलका जो है वो उतर जाता है। उसके बाद आप इसके अंदर बादाम ऐड कर देंगे। हाँ जी जनाब, तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड करने के बाद आपने ज़र्दा रंग जो है वो ले लेना है और उसको दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद उसको आपने चावलों के ऊपर डाल देना है। अब जो है चीनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी हमें सबसे ऊपर अलग से ऐड करनी है, आप नीचे जो है वो चीनी डाल के ऊपर भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, वो भी जैसे आपको सही लगे। यहाँ पे मेरे पास बर्फ़ी रखी हुई थी, अगर आपके पास खोया है तो आप खोया ऐड कर सकते हैं। आपके पास एंड पर सर्विंग में आप इसके अंदर स्वीट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्ले हो गए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छी बर्फ़ी थी जो किसी खोए से काम नहीं है, तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया हाथों से। और अब मैं इसके ऊपर ये भी डाल दूँगी बिफोर दम, ये दम से पहले लगानी है, इससे चावलों का टेस्ट जो ज़र्दा है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। आज ये बहुत मज़ेदार रेसिपी जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो ज़र्दा रंग है वो आप दूध के अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं। अब यहाँ पे तवा जो है मैंने प्री हीट कर लिया है, अब 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी। 4 से 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। और जनाब हमारे चावल हो गए हैं रेडी टू सर्व।